हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पर दिनेश को देखिए, ये फिल्म देखने में मग्न है। ऐसे फिल्म लगी कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। ये फिल्म जितनी बार भी देखो ना, बिल्कुल बोर नहीं होता है और भी देखने का मन करता है। जैसे रोता हुआ इंसान भी फिल्म देखे तो हंसने लगेगा, इतनी अच्छी फिल्म है। मुझे भी ऐसी कॉमेडी मूवी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने आम ले लिए, जैसे सब पॉपकॉर्न ले लेते हैं फिल्म देखते समय खाने के लिए, मगर हमने यहाँ पर आम ले लिए हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आम एंजॉय कर लेते हैं। और इस मौसम में आम नहीं खाने चाहिए, जैसे आम में कीड़े निकल रहे हैं और एक दो बार निकले भी हैं, मगर ये आम दीदी ने दिए। उनके घर में ही पेड़ है आम का, तो उसमें ताजे ताजे आम लगे थे, तो दीदी ने तोड़ कर दिए। ये गायत्री को छोड़ने गए थे तो उस दिन ये आम ले आए हैं, दीदी ने दिए। तो ताज़े आम है, इसमें कीड़े वगैरह नहीं है। और ये देसी आम है, देसी आम में जल्दी से कीड़े नहीं होते। जैसे वो बड़े बड़े आते हैं कलमी नीलम, उसमें कीड़े हो जाते हैं क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह डालकर उस आम को पकाते हैं, इसी वजह। और इस आम का टेस्ट भी थोड़ा सा अलग आता है। जैसे नीलम कलमी आम जब हम खाते हैं एकदम मीठे होते हैं, इसी वजह से शायद उसमें जल्दी से कीड़े होते हैं, मगर ये देसी आम थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और अभी कुछ देर पहले मेरी अर्चना से बात हो रही थी। अर्चना मेरी छोटी बहन है। तो इस वक्त अर्चना खेत में है, बारिश का मौसम है, बारिश भी हो रही है। तो गाँव में सब खेतों में जाते हैं क्योंकि अब खेतों में धान डालते हैं। तो अर्चना के भी खेत में धान डाल दिया है उन्होंने, और उसमें छोटे छोटे से अंकुरित भी हो गए हैं, जिससे सोयाबीन डाला है उन्होंने, और क्या उड़द मूंग ये सब भी डालते हैं। तो उसमें छोटे छोटे से धान आए हुए, जो छोटे छोटे अंकुरित आए हैं, तो उसमें कीड़े लगे। देखिए कीड़ा दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। इसके साथ हम बचपन में बहुत खेलते थे, मगर अब तो ये कीड़े सारे धान खाने लगे। ये छोटे छोटे से जो अंकुरित हुए ना, उसे कीड़े खाने लगे। इस वजह से किसान परेशान हो गए, इन कीड़ों की वजह से बहुत सारे कीड़े हो गए। जैसे एक एक खेतों में दो दो टोकरे भर भर के कीड़े निकल रहे हैं। और ये दिन में नहीं खाते हैं, रात के टाइम पूरा खा लेते हैं, जैसे धान को ऊपर आने ही नहीं दे रहे, उसे लॉलीपॉप की तरह खाने लगे। इसी वजह से जो अंकुरित हुए वो नष्ट हो रहे, वहीं पर ऊपर आने ही नहीं दे रहे कीड़े। तो अर्चना से यही बात हो रही थी मेरी। कल दिन भर टीवी देखी और सबसे फ़ोन पर बात कर ली, बस कल यही काम करती रही मैं। तो मेरे मॉर्निंग वाले सारे क्लीनिंग के काम हो गए, फिर बाद में मैंने दाल चावल बनाकर रख दिए हैं। और यहाँ पर दिनेश कर ले रहा है इस्त्री। अपनी इस्त्री करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मगर ऐसे इस्त्री करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। तो दिनेश यहाँ पर गरम गरम चावल बनाया, कुकर है, इससे अपनी दस्ती इस्त्री करवा ले रहा है। तो दिनेश के कुछ ऐसे काम होते हैं। और दिनेश तैयार है, मगर ये आज कॉलेज नहीं जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है। दिनेश जा रहा है औराद, औराद यहाँ का तालुका है। और दिनेश का वहाँ पर स्वागत करने के लिए बुलाया गया। दिनेश टेंट में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, इसलिए दिनेश का स्वागत करने के लिए इसे वहाँ पर बुलाया गया है। तो वहीं पर जाने के लिए तैयार है। तो आज नाश्ते में अलग से कुछ बनाया नहीं, बस दाल चावल ही बनाकर रख दिए। और दिनेश को दाल चावल पसंद भी है, तो ये गर्मा गर्म दाल चावल घी डाल के खाकर चला गया है। और उसके दोस्त भी आए थे, दिनेश अकेला नहीं गए, सब संग में गए, जिनके जिनके अच्छे नंबर आए थे। तो यहाँ पर मेरी नित्य पूजा भी हो गई है। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 1 बज रहे। मैंने लंच कर लिया अभी। और यहाँ पर मैं खिड़की में देख रही हूँ, ये बारिश का मौसम है, मगर कीड़ों का कौन सा मौसम है मुझे पता नहीं। इस खिड़की में बहुत सारे कीड़े जग इकट्ठा हुए हैं, जिसे रात के टाइम पंख वाले कीड़े आ जाते, तो कीड़े तो उड़ जाते मगर पंख यहीं पर छोड़ जाते। और इस खिड़की में एक लंबा सा कीड़ा भी दिख रहा है, जिसकी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वहीं देखने की कोशिश कर रही थी मैं, अगर मुझे कीड़ा तो नहीं मिला, तो थोड़ी देर देख के मैंने छोड़ दिया, वो कीड़ा उसी में फंसा हुआ है। तो डर सा लग रहा है थोड़ा सा, किचन में ही वो खिड़की, तो किचन में हम खाना वाना बनाते हैं, तो मुझे वही डर लग रहा था। अब दोपहर के 4 बज रहे और दिनेश का स्वागत हो गया है, तो ये घर आ गए वापस। तो अभी दिखा रहा है मुझे कि क्या क्या दिया है वहाँ पर, और लंच भी बनाया था वहीं पर, बोल रहा था बहुत टेस्टी लंच बना था, जैसे दाल चावल लड्डू वगैरह ये सब भी बना था वहाँ पर। तो ये लंच करके आया है दिनेश, ये सब दिखा रहा है। तो वहीं पूछ रही हूँ मैं कि कैसे स्वागत हुआ, कैसा क्या हुआ, तो ये बताने में लगा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बच्चे आए थे जिनका बहुत अच्छे से रिजल्ट आया, तो सारे बच्चे वहाँ पर आए थे। तो सब पहले खाना खा लिया सब ने, फिर बाद में स्वागत हुआ, जैसे वहाँ पर एमएलए वगैरह सब आए थे। और इस बैग में जो तस्वीर आपको दिख रही वो यहाँ के एमएलए, तो उन्हीं की तस्वीरें, तो वो भी वहाँ पर आए थे। तो सब बच्चों का उन्होंने स्वागत किया, पहले शाल डाली, फिर बाद में फूलों की हार, फिर आते समय ये बैग भी दे दी गई, और ये कुछ प्रमाण पत्र वगैरह कुछ है दिनेश के हाथ में, तो वही दिखा रहा है। दिनेश बहुत खुश है, और दिनेश से ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि दिनेश बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। और सबसे खुशी की बात ये लग रही है कि बच्चों को बुलाकर वहाँ पर स्वागत किया, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे बच्चों को प्रोत्साहन मिल जाता है इस तरह से स्वागत करने से, कि वो
इसी तरह से मोटिवेट होते रहे, आगे बढ़ते रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8:30 बजे मेरी नित्य पूजा हो गई। आज दिन मंगलवार का है, डेट है 5 जुलाई, और अब सुबह के 8:30 बजे तुझे और दिनेश कॉलेज गए। पापा जी बाहर है, वो मिर्च के पौधे लगा रहे हैं खेत में। रात भर बारिश हो रही थी, उधर मिट्टी अच्छे से गीली हो गई है, तो पापा जी इसमें मिर्च के पौधे लगा रहे हैं। और मैं यहाँ पर पोहा निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आज पोहा खाना है। पोहे निकाल कर पहले मैं पोहे को अच्छे साफ कर लूंगी। तो थोड़े से पोहे मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, और ये डब्बा में साथ ही साथ ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि किचन भी बहुत फैली फैली हो जाती है, तो साथ ही साथ जो भी सामान लेती हूँ तुरंत तुरंत ही रखती जा रही हूँ। पोहे को मैंने अच्छे से छान लिया, जो भी धूल वगैरह है वो सारी निकल गई। अब इसे अच्छे से धुल लेंगे। कुछ नहीं बनाऊंगी, बस चावल और रोटी बनाऊंगी, दाल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दाल बनाऊंगी तो खाने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए नहीं बनाऊंगी। क्योंकि देश तो अब रात में आ जाएगा, तो पापा जी भिंडी की सब्जी उन्हें बहुत पसंद है, भिंडी की सब्जी रोटी खा लेंगे। और मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद है, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर धूल कर रख दी है, पोहे बना लेंगे अपने लिए। पता नहीं, भिंडी की सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है, मगर मुझे पता नहीं क्यों भिंडी की सब्जी पसंद नहीं आती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। कुछ कुछ चीज़ें सेहत भी इतनी अच्छी रहती है, मगर किसी किसी को पसंद नहीं आती, जैसे मुझे भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है। दिनेश पापा कल ही पहुँचे तिरुपति, मगर अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, बहुत भीड़ है वहाँ पर, भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी है, तो वही बोल रहे थे उनसे अभी भी बात हो रही मेरी, तो कल रात में वो लाइन में लगे हैं, मगर अभी तक दर्शन नहीं हुए। तो ये नज़ारे देखिए, दिनेश के पापा इस वक्त यहाँ पर हैं, जैसे तिरुपति पहुँच गए मगर अभी मंदिर नहीं गए हैं। मैं भी कभी तिरुपति नहीं गई हूँ, तो मैं भी वीडियो में देख रही हूँ कि वहाँ पर कैसा है क्या है। तो जैसे वीडियो में हम देख रहे, तो एक बहुत बड़ी घाट है, घाट में रोड है, तो ये देखिए इसे ऊपर से नीचे की साइड जा रहा है ये रोड, और बस जंगल ही जंगल है साइड में, और जंगल के बीच में घाट में ये रोड बनाई गई। शायद नीचे की साइड मंदिर है, ये देखिए बड़े बड़े पर्वत है, और इसका रास्ता कुछ ऐसा है, जैसे ऊपर से आ रहे तो नीचे से जा रहे, जैसे घाट है, घाट में ये रोड है। तो वही इन्होंने वीडियो बनाकर भेज दिया है कि यहाँ पर हूँ मैं, और ऐसा रास्ता है ये। तो ये सब देख के मुझे भी बहुत मन हो रहा है कि मैं भी तिरुपति जाऊँ बालाजी के दर्शन करने। तो अब तो हम वीडियो में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। जिस गाड़ी में बैठे उस ग्लास के ऊपर ही देखिए इस तरह से बारिश दिख रही है, नहीं तो रोडों में बिल्कुल भी गीली रोड नहीं है, शायद हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर, और मंदिर का कोई वीडियो नहीं बनाया इन्होंने, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाया है, मगर कुछ तस्वीरें शेयर की इन्होंने। तो यहाँ पर ये देखिए बजरंग बली की मूर्ति है, यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने सेल्फी ले ली है, तो काफ़ी सुंदर मूर्ति है बजरंग बली की। और यह है बालाजी मंदिर, यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने सेल्फी ले ली है, तो काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बाल कटवा के नहाकर अभी आगे चल रहे। तो जो भी बालाजी मंदिर में आता है, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, यहाँ पर अपने बाल ज़रूर कटवाते। तो अभी कुछ ऐसे देख रहे बाल कटवाने के बाद, तो मुझे भी नहीं पता है कि यहाँ आने के बाद सब बाल क्यों कटवाते हैं। किसी किसी की तो मन्नत रहती है, वो अपने बाल बढ़ा लेते हैं और यहाँ आने के बाद ही अपने बाल कटवाते हैं, जिसे बालाजी भगवान के चरणों में। तो इसका राज क्या है मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले। तो बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ है यहाँ पर, तो अभी तक इनके दर्शन नहीं हुए, तो वही बोल रहे थे कि लाइन में लगे हैं, तो दर्शन कब होगी पता नहीं, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी है, भक्तों की बहुत भीड़ है वहाँ पर, तो उनके दर्शन शायद दोपहर में हो जाएंगे। कल रात में लाइन में लगे दर्शन के लिए, और अभी तक दर्शन नहीं हुए, तो उनसे अभी बात हो गई मेरी। तो बस अब रोटी बनानी है, रोटी और चावल बना दूँगी, भिंडी की सब्जी तो बन चुकी है, दाल तो नहीं बनाऊंगी। आज सोच रही हूँ कुछ अलग से काम कर लूँ, मैंने आपको उस दिन बोला था कि मुझे बेडरूम सेट करनी है, तो मैं हो नहीं पाया, उस दिन बहुत सारे काम थे, गायत्री भी जाने वाली थी, और भी ऐसे वैसे काम हो गए मेरे, तो दिन ऐसे चले गए, मुझे टाइम नहीं मिल पाया।
मगर आज बहुत टाइम टाइम है मेरे पास, क्योंकि दिनेश के पापा भी आज नहीं आएंगे और दिनेश रात में आ जाता है 8:30 बजे। पापा जी अकेले तो उनके लिए खाना पीना बनाकर रखेंगे, अपने लिए भी बनाकर खा लेंगे, तो सारे काम करेंगे, कपड़े भी ज़्यादा नहीं तो जैसे सारे लोग उनके बाद कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। और बस मैं और पापा जी के घर में तो ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अलग से काम कर लूँ, तो आज बेडरूम सेट कर दूँ मैं अलवीरा की। उसमें ऐसी हालत हुई है जैसे अलवीरा के मैं दरवाज़ा खोल दूँ ना कपड़ों वाले अलवीरा, तो उसके सारे कपड़े नीचे गिर रहे इतने ज़्यादा, ऐसे ही मैंने भर दिए, तो सारे मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। तो इस साइड की अलवीरा जहाँ पर मेकअप का सामान रखा है वहाँ पर भी इतनी फैली फैली हो गई, तो सारे मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। आज पूरे मुझे बेडशीट भी मुझे चेंज करवानी, तो सारे काम होते रहेंगे। तो चलो पहले मैं पोहे बना कर खा लूँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलिए पहले पोहे बना ली थी, क्योंकि दोपहर में भी कुछ ऐसे ही बनाकर खा लूँगी। भिंडी की सब्ज़ी बनाई है आज मुझे पसंद नहीं, तो पोहे आप बनेंगे फिर दोपहर में देखेंगे कुछ बना पसंद होते हैं तो खाने में अलग अलग सब्जी दाल ऐसे बनता है। मगर मैं और पापा जी हैं तो कुछ अलग से बनाऊंगे नहीं, क्योंकि पापा जी को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, उसे तैयार बना कर दूँगी। तो चलिए लग जाए, तो अब पोहे बना लेते हैं। पोहे भिगो कर रख दिए हैं, प्याज हरी मिर्च कड़ी पत्ते हरा धनिया ये सब ले लिया है। पोहे बनाकर खा लेते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, फिर मैं बाद में कामों में लग जाऊंगी। जैसे बेडरूम शेड करनी है तो सारा निकालना है, जैसे कपड़ों की अलवीरा निकालनी है। सारे कपड़े मैंने ऐसे ही घुसेड़ दिए, जैसे अलवीरा खोलती हूँ ना तो सारे कपड़े आकर मेरे मुँह पर गिर रहे, कुछ ऐसी हालत हो गई उस अलवीरा की। और जो मेकअप की अलवीरा है इस साइड की, तो वहाँ पर भी इतना फैल गया है सब कुछ, जैसे 8 दिन में एक बार मैं रखती हूँ उसे, फिर भी वो फिर से वैसी हो जाती है। तो उसे भी सेट करनी है, मुझे बहुत सारे काम है। पहले मैं पोहे बनाकर खा लूँ। तो यहाँ पर पोहे बनाने के लिए मैंने कड़े में 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें जीरा राई डाली है, जीरा राई चटकने के बाद डाली है, प्याज हरी मिर्च हरा धनिया कड़ी पत्ते ये सब डाल दिया है। जैसे पोहे बनाना एकदम आसान है सब जानते हैं। तो यहाँ पर भीगे हुए पोहे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इधर तब तक प्याज वगैरह हमारी भून रही है, और प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जैसे पोहे में सुशीले में जो प्याज पड़ती है ना, उसे बस उसका कच्चापन चला जाए, हमें हल्का सा भून लेना है, इसे ज़्यादा नहीं। फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया अच्छा सा कलर लाने के लिए, और थोड़ी सी चीनी भी डाल दी, चीनी डालने से पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर बाद में हमें पोहे डाल के अच्छे, तो बस पोहे झटपट बन जाते। अगर घर में कोई मेहमान आए तो हम ये पोहे बना सकते, बहुत जल्दी से बन जाते और खाने में बहुत टेस्टी लगते। तो यहाँ पर पोहे बन चुके हैं, तो आ जाए फ्रेंड्स नाश्ता कर लेते हैं। घर में कोई नहीं, अकेली अकेली किचन में बैठ के मैं नाश्ता कर लेती हूँ। थोड़ा सा अकेले खाने में अजीब सा लगता है, अगर संग में कोई हो तो अच्छा लगता है नाश्ता करने में, मगर अब क्या कर सकती, कोई नहीं है तो खा लेते हैं। अभी मुझे बेडरूम भी सेट करनी है और कपड़ों की अलवीरा भी सेट करनी है, मेकअप की भी अलवीरा सेट करनी है, तो बहुत सारे काम है। तो सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।